हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार फिर। दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम के इस वीडियो में हम इन तीन पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। पहला कि बाइनोमियल थ्योरम के केस में जब हम किसी भी टर्म को एक्सपेंड करते हैं तो उसमें मिडल टर्म कैसे फाइंड किया जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे फाइंड किया जाता है और कोफिशियंट ऑफ एक्स कैसे फाइंड किया जाता है। इन तीनों के अंदर एक सिमिलैरिटी है दोस्तों, जब भी हम किसी भी बाइनोमियल थ्योरम के टर्म को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास एक जनरल टर्म आता है। जब x प्लस ए को एक टर्म है जिसका होल का पावर n है तो हमारे पास हमेशा जो टर्म आता है वो एक्स्ट्रा आता है। जब आप एक्सपेंड करेंगे यानी x प्लस 5 की पावर 6 इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास कितनी टर्म आएगी दोस्तों, 7। हमेशा n से एक टर्म ज्यादा, इसलिए ये इंडिकेट करा जाता है टी आर प्लस 1। नाउ टी आर प्लस 1 के बाद n सी आर x raised to the power n minus r into, ये into होता है, a raised to the power r। अब दोस्तों, हमेशा जब हम इन तीनों चीजों को निकालेंगे तो हमें इन जनरल टर्म का यूज करना होगा। अब इस जनरल टर्म का यूज कैसे होगा वो देखेंगे दोस्तों। तीनों जो हमारे पास ये टॉपिक्स हैं एक एक एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करेंगे। मैंने तीन एग्जाम्पल्स लिए हैं, पहला एग्जाम्पल आपके पास है मिडल टर्म का। क्वेश्चन है x माइनस 1 ओवर x होल की पावर 10। अब मुझे कहा है कि इसका मिडल टर्म फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है, मिडल टर्म, मिडल टर्म फाइंड करना है। अब दोस्तों, इसमें एक टर्म क्या है, टर्म, हमेशा टर्म को हम इंडिकेट करते हैं p से। अब दोस्तों, P की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है, P की वैल्यू दो तरीके से फाइंड करी जाती है, वो डिपेंड करता है आपके इस n, इस वैल्यू पर। अगर आपका n इवन है तो P की वैल्यू n प्लस 2 ओवर 2, और जब n आपका ओड है तो P की वैल्यू n प्लस 1 ओवर 2 से निकलती है। यानी P क्या है आपके पास, टर्म। P की वैल्यू किस पर निर्भर करती है, इस नंबर पर, n पर। अगर n आपका इवन है तो P में क्या, तो क्या P की वैल्यू कैसे निकलेगी, n प्लस 2 ओवर 2 करके। अगर n आपका ओड है तो P की वैल्यू क्या निकलेगी, n प्लस 1 ओवर 2 करके। जैसा कि यहां पर n की वैल्यू इवन है तो मैं यहां क्या करूंगा, n इक्वल टू 10 प्लस 2 ओवर 2 इक्वल टू 12 ओवर 2 कैंसिल आउट होके 6 बन गया। तो P की वैल्यू आपके पास क्या आ गई दोस्तों, 6। ये बेसिक फंडा है मिडल टर्म में सबसे पहले पी निकालने का। और इस पी को क्यों निकालते हैं ये देखते हैं दोस्तों, हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, इसका मिडल टर्म। तो दोस्तों, जनरल टर्म सबसे पहले क्या लिखेंगे, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस आर ए रेस टू दी पावर आर। दोस्तों, यहां पर कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें ये इनकी वैल्यू निकालनी है। ये इसमें से निकलेगी, जैसा कि यहां पे x है और यहां पे भी x है तो मैं यहां पे इसे x डैश से इंक्लूड कर देता हूं, x डैश, क्योंकि सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो मैंने x डैश यानी ये वैल्यू, और x डैश की वैल्यू यहां क्या है, x, और a की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पे माइनस 1 ओवर x। अब इसके अलावा हमें और क्या क्या चीजें चाहिए, n, n क्या होता है दोस्तों, ये वैल्यू यानी 10, r चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए, r, r निकलता है दोस्तों हमारा p माइनस 1। और p मिडल टर्म के केस में क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें r चाहिए और r इक्वल टू p माइनस 1 होता है। तो p हमारे पास कैसे निकलता है, इवन और ओड के केस में, इवन इक्वल टू n प्लस 2 ओवर 2, ओड इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 2। तो यहां पे P क्या निकला था दोस्तों, 6। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 6 माइनस 1, तो मेरे पास क्या निकल गया, 5। तो P R की वैल्यू कितनी निकल गई, 5। अब कुछ नहीं करना, मुझे इसमें पुट करना है, यानी n इक्वल टू 10, C R की वैल्यू 5, यहां पे X की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 माइनस 5, 10, n की वैल्यू 10, R की वैल्यू 5, माइनस 10 में से 5 यानी आपके पास कितनी बच की वैल्यू, 5।
सिमिलरली इनटू ए, ए की वैल्यू क्या दोस्तों माइनस वन ओवर एक्स, तो मैं यहां क्या लिखूंगा माइनस वन ओवर एक्स। वॉल की पावर कितनी दोस्तों आर है, आर कितनी है फाइव। तो अब इसे मैं क्या करूंगा टेन सी फाइव एक्स की पावर फाइव माइनस वन ओवर एक्स की पावर फाइव। ये माइनस इसके साथ ब्रैकेट के अंदर लिखना दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा माइनस में है तो हमेशा ब्रैकेट लिखना दोस्तों। अब यहां पे x की पावर 5 क्यों आई, क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी बढ़ा लीजिए वो 1 ही रहेगा, बट x कोई भी वैल्यू होगी उसकी पावर कितनी बढ़ाई वो वेराई करती है। तो यहां पे मैंने 1 क्यों वो डायरेक्टली 1 ही लिख दिया और x की पावर 5 चढ़ गई तो x की पावर 5। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये x की पावर 5 और ये x की पावर 5 कैंसिल हो गई, ये माइनस मैं यहां इंडिकेट कर दूंगा और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे क्या सॉल्व करना पड़ गया दोस्तों, ये फैक्टोरियल। अब दोस्तों फैक्टोरियल तो आपको पता ही होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैं फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकता हूं या ऐसे भी लिख सकता हूं, तो मैं इस तरह इंडिकेट करता हूं। तो यहां पे एन फैक्टोरियल, एन यानी टेन फैक्टोरियल ओवर आर यानी 5 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 5 यानी 5 फैक्टोरियल। जब आप लोगों को फैक्टोरियल सॉल्व करना आता होगा तो आप इसे सॉल्व करके एक वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों वैल्यू, तो वो जो वैल्यू आएगी वो दोस्तों क्या होगी आपकी मिडल टर्म होगी। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 232 समथिंग कुछ आएगा, जैसा यहाँ पे गिवन है, सॉरी 252 आपकी एक वैल्यू आएगी। ये होती है आपकी दोस्तों मिडल टर्म। अब दोस्तों क्या था हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे निकाला जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि निर्भर ना करना, किसी भी चीज पर इंडिपेंडेंट नहीं होना, वो उस पर निर्भर नहीं करेगी, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कोई भी एक टर्म होगा जो एक्स पर निर्भर नहीं करता। वो क्या, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है आपके पास ये एक बाइनोमियल थ्योरम का टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स रेज टू द पावर 9। अब मुझे बोला गया कि इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालिए। दोस्तों जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास एक कॉन्स्टेंट टर्म, एक ऐसा टर्म आएगा जो एक्स पर निर्भर नहीं करता। मतलब आपके पास बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे 3x, 4x, 9x स्क्वायर समथिंग कुछ बहुत टर्म आएंगे, लेकिन आपको एक ऐसा भी टर्म आएगा जो सिर्फ 5 होगा, 6 होगा, 18 होगा, कोई भी एक नंबरिक वैल्यू होगी जिसके साथ x इंक्लूड नहीं होगा। तो वो जो वैल्यू होगी, वो जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी जिसके साथ x इंक्लूड नहीं होगा, शामिल नहीं होगा, उसे बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट ऑफ x। और वो कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों वो देखते हैं। दोस्तों यहां पे सिंपली वही जनरल टर्म टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस आर ए रेज टू दी पावर आर। यहां पे हम पी की वैल्यू नहीं निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे वही चीज हमें देखना है। एन एन की वैल्यू बोले तो 9, सी आर को आर ही रहने देना है, ठीक है। एक्स यहाँ पे x दोनों सेम है तो मैं x डैश से मिले, ये x की वैल्यू क्या होगी, ये वाली x की वैल्यू, तो यहाँ x है और यहाँ क्या है x स्क्वायर, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा x स्क्वायर पावर n माइनस r, n 9 और r की वैल्यू हमें पता नहीं है तो माइनस r ही रहने देंगे। a क्या है दोस्तों यहाँ प्लस 1 ओवर x, तो मल्टीप्लाई का साइन डॉट से शो कर दिया, a 1 ओवर x की पावर r। अब मैं यहां जो पावर आर है, 1 की पावर आर रखूं कुछ भी रखूं वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब x की पावर आर रखूंगा उससे फर्क पड़ेगा, तो मैं x की पावर आर रख देता हूं 9 सी आर। यहां पे जब आप लोगों ने एक्सपोनेंटो एंड डिविनेंटो रूल पढ़ा होगा क्लास 8 में, x की पावर m वॉल की पावर n इक्वल टू x की पावर m इनटू n, ये होता है रूल। नाउ यहाँ पे 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 के साथ भी और r के साथ भी, तो x इक्वल टू 9 टू जा 18 माइनस 2r इनटू 1 ओवर में x की पावर r। दोस्तों यहाँ पे इस
वन को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर आर, क्योंकि वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और बेस में नोमिनेटर में क्या था, सॉरी वन, और डेनोमिनेटर में क्या था, एक्स की पावर एक्स। तो डेनोमिनेटर में हमारे पास एक्स की पावर आ गई और नोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया इससे। अब जब हमारे पास बेस सेम हो, एक्सपोनेंटो और डिविनेंटो में एक और रूल आता है, एक्स की पावर एम ओवर एक्स की पावर एन इक्वल टू एक्स की पावर एम माइनस एन। नाउ यहाँ पे एम क्या है, 18 माइनस 2 आर, और एन क्या है, आर, और आर ऊपर जाके माइनस, यानी माइनस टू आर और माइनस आर, और बेस क्या है एक्स, तो एक्स ही रह गया। अब माइनस टू आर और माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, तो माइनस टू आर और माइनस आर माइनस थ्री आर। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, ये पूरा सोल्व होने के बाद, एक्स की पावर 18 माइनस 3 आर। अब मुझे यहां पे क्या करना है, ये जो एक्स की पावर है इसको इक्वल टू जीरो रखना है, यानी 18 माइनस 3 आर इक्वल टू जीरो, तो 18 इक्वल टू 3 आर, आर इक्वल टू 3 6 18। हमेशा जब भी आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना हो तो आप बिल्कुल पुट करिए r की वैल्यू। आपको कैसे निकालनी है, जब x की वैल्यू आपके पास एक प्रॉपर आ जाएगी, उस वैल्यू को इक्वल टू जीरो रखना है जैसे मैंने रखा है, और r की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब कुछ नहीं करना, इसमें उस वैल्यू को पुट कर देना है, 9 cr 6 आया, x 18 माइनस 3 इंटू 6। अब 6 3 जा 18, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, 18 माइनस 18। नाउ 18 में से 18 गया 0, और किसी की भी पावर 0 हो वो क्या बन जाता है, 1। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिख दूंगा, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए उतना ही रह जाएगा। मुझे क्या सोल्व करना पड़ गया, फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख दूंगा, 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, और 9 में से 6 यानी इंटू 3 फैक्टोरियल। अब आप इस फैक्टोरियल को सोल्व करके एक वैल्यू निकालिए, वो जो वैल्यू निकलेगी उसमें आपके साथ कोई भी एक्स टर्म, यहाँ कोई एक्स है नहीं है, एक कांस्टेंट टर्म आया, जैसा कि यहाँ सोल्व होने के बाद जो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 84। कितनी दे रखी है दोस्तों, 84। तो ये जो 84 वैल्यू आई, ये जो 84 वैल्यू आई, ये एक्स पर निर्भर नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो यही चीज है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो वैल्यू एक्स पर निर्भर करती ही नहीं है। अब मेरे पास क्या निकालने को है, कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। दोस्तों थोड़ा स्पीडली देखना, जैसा कि यहां पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट, ऑफ एक्स रेज टू द पावर 16 इन 2x² - x होल की पावर 10। कुछ नहीं करना, कोफिशिएंट फाइंड करना है, यानी इस टर्म को जब भी मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास x की पावर 16 एक टर्म आएगी, और यहां पे उसके साथ कुछ टर्म होगा, यानी x की पावर 16 इसके साथ कोई एक नंबरिक वैल्यू लगी होगी, मुझे वो नंबरिक वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए सिंपल जनरल टर्म, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस आर ए रेस टू दी पावर आर। कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज लाके पुट करनी है, हमें आर की वैल्यू इसमें भी फाइंड करनी है, यानी इंडिपेंडेंट और कोफिशिएंट इन दोनों में मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसमें हमारे पास डायरेक्ट आ जाती है किसमें, जब हमें मिडल टर्म निकालना होता है, उसमें आर इक्वल टू पी माइनस वन, और पी की वैल्यू हम इसको देख के निकाल सकते हैं। बट इनकेस कोफिशियंट और इंडिपेंडेंट दूसरे तरीके से निकलता है, तो कोफिशियंट वाला देखते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 10, c, r की वैल्यू r फाइंड करनी है, x n माइनस r, x यहाँ पे क्या है वो वैल्यू रखनी है, x यहाँ पे क्या है 2x² और पूरी पावर क्या है n माइनस r, n क्या है 10 माइनस r इंटू a क्या है मेरे पास माइनस x की पावर r। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 10 सी आर 2 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना 2 की भी ये पावर है, तो मैं इसको सेपरेटली लिख लेता हूं, 2 की पावर 10 माइनस आर इनटू। अब सिमिलरली कंपोनेंट और डिविडेंडो में x स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो ये स्क्वायर 2 है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, yeah.
दोस्तों अब हमें करना क्या है, यहाँ पे टेन माइनस आर है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्स की पावर माइनस आर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स टू को टेन से मल्टीप्लाई करा ट्वेंटी माइनस टू को आर के साथ करा तो टू आर इंटू यहां पे एक्स की पावर आर है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा ये देखना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स की पावर आर इंटू ये जो माइनस आया है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस वन इंटू आर, ऐसे लिख सकता हूं ना दोस्तों, इससे कोई विजुअल इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि आर की वैल्यू कुछ भी हो यहां बेस में वन है वो वन ही रहेगा और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इजी पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं, ये तो टेन सी आर टू की पावर टेन माइनस आर, टू की पावर टेन माइनस आर इंटू, दोस्तों यहां पे इन दोनों का बेस सेम हो, जब कॉम्पोनेंटो और डिविनेंडो में बेस सेम हो तो पावर एड हो जाता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर ट्वेंटी माइनस टू आर और यहां पे एक्स की पावर क्या है मेरे पास आर, तो प्लस आर, यहां पे माइनस टू आर और प्लस आर ये कैंसल होके क्या हो गया दोस्तों हमारे पास माइनस आर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े वाले का, तो ट्वेंटी माइनस आर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास ट्वेंटी माइनस आर। अब दोस्तों यहां पे क्या बच गया हमारे पास माइनस वन की पावर आर, अब यहां पे एक्स की पावर ट्वेंटी माइनस आर आई है और यहां पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स रेस टू दी पावर सोलह, तो यहां पे मैं दोनों जगह एक्स की पावर को कंपेयर करूंगा, यहां एक्स की पावर ट्वेंटी माइनस आर और निकालना क्या था एक्स की पावर सिक्सटीन, अब दोनों के पावर को जब कंपेयर करूंगा ट्वेंटी माइनस आर इक्वल टू सिक्सटीन, तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 माइनस सिक्सटीन, तो r इक्वल टू आ गया दोस्तों हमारे पास 4। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इस जगह पे वैल्यू फाइंड पुट कर देनी है, n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10, c r की वैल्यू कितनी फाइंड करी 4, x यहाँ पे x 20 माइनस r, x की वैल्यू कितनी है दोस्तों सॉरी यहाँ पे सबसे पहले 2 की कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई में दोस्तों 10 माइनस आर, अब 10 में से 4 गया तो कितना बच गया 2 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 20 माइनस 4, यानी कितनी होगी दोस्तों आपके पास एक्स की पावर 16 माइनस 1 इंटू आर की पावर कितनी है 4, ये 16 यहां, अब कोई भी पावर हो उस कोई भी वैल्यू उसकी पावर इवन हो तो वो क्या हो जाता है माइनस से प्लस, तो ये माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि वन की पावर कितनी है दोस्तों यहाँ 4, तो ये क्या बन गया हमारे पास प्लस वन मल्टीप्लाई में, और वन को इसको क्या पूरी वैल्यू वन हो जाएगी, ये जो वन आई है हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो है इसके साथ प्लस बन गई। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, इस फैक्टोरियल को सोल्व करना है, 10 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, 10 में से 4 गया 6 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 16। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देना, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक नंबरिक वैल्यू आ जाएगी, वो नंबरिक वैल्यू क्या है दोस्तों यहां पे गिवन है 13440। तो दोस्तों आपने देखा कि एक नंबरिक वैल्यू आ गई क्या 13440 एक्स रेस टू दी पावर 16। तो यहां पे ये जो नंबरिक वैल्यू आई है फाइंड करना है, कैसे फाइंड करा जनरल टर्म में पुट करा, फिर एक्स की एक सेपरेट वैल्यू निकाल ली पावर 20 माइनस आर, और जो हमको गिवन था एक्स की पावर आर, दोनों के पावर को कंपेयर करके आर की वैल्यू निकाल ली, और आर की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी और हमारे पास एक वैल्यू आ गई, वो क्या वैल्यू निकल गई हमारे पास इसकी कोफिशियंट। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि कोफिशियंट कैसे फाइंड करते हैं मिडल टर्म और इंडिपेंडेंट, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो जो मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम की वीडियो में मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन और कुछ टर्म है बाइनोमियल के, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास हर टर्म क्या आती है दोस्तों एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, लेकिन जब हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर ना होके 3/4 हो माइनस वन हो
तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। थैंक यू।